प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर 2t। इसको हिंदी में बोलेंगे टी की पावर 3 इंटू ई की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करो। और यदि संकेत के रूप में लिखा जाएगा इस प्रश्न को तो इस प्रकार से लिखेंगे फाइंड, ये जो L बना हुआ है इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर 2t। तो प्रश्न अगर आपका इस प्रकार से आता है या प्रश्न इस प्रकार से आता है, दोनों के माने एक ही हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। क्लियर? देखिए इस प्रश्न को बहुत सरल विधि से हल कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को हल करने की दो विधियां हैं, मैं आपको आज सरल विधि बता रहा हूं, दूसरी विधि बाद में बताऊंगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सूत्र और नियमों का प्रयोग हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तो नियम यह है कि यदि कोई फंक्शंस f(t) है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो f(p) के बराबर है। अब यदि जो आपका ये ओरिजिनल फंक्शंस था इसको आप e की घातांक at से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको गुणनफल प्राप्त हुआ, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होगा f(p) माइनस a। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया उसमें जहां जहां p आया है उसके स्थान पर p माइनस a लगा दीजिए। a का तात्पर्य यह है कि a e की पावर at लिखा हुआ है तो यहां पर जो संख्या आई है वो संख्या लिखी जाएगी। दूसरा फार्मूला लगेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ये सूत्र तभी लगाया जा सकता है जबकि n एक धन पूर्णांक है। यदि ऋणात्मक संख्या है तो यह फार्मूला नहीं लगेगा और यदि बटे में है भिन्न है तो यह फार्मूला नहीं लगेगा। क्लियर? तो चूंकि यहां पर n का मान 3 है इसलिए यहां पर यह सूत्र लग जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करके दिखला रहे हैं, यह प्रश्न हमारा दिया हुआ है। क्योंकि हमारा जो फार्मूला लगाना है इसमें हम फार्मूला लगाएंगे e की पावर at इंटू f(t) का लाप्लास निकालने वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि इसमें e की पावर at पहले लिखा हुआ है, f(t) बाद में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम f(t) को f(t) की पावर 3 को f(t) मान लेते हैं। f(t) बराबर कितने के हो गया? टी की पावर 3। तो ये प्रश्न हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 2t इंटू टी की पावर 3। और जब टी की पावर 3 को हमने f(t) मान लिया तो ये बराबर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 2t इंटू f(t)। क्लियर? अब f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालिए। पहले f(t) बराबर आपका t की पावर 3 है और इस फार्मूले से जब आप निकालेंगे तो n का काम 3 कर रहा है, तो इस सूत्र से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर n प्लस 1 अर्थात 3 प्लस 1। और फैक्टोरियल 3 का मान जैसा कि आप जानते हैं 6 के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम 6 लगा देंगे और हर में आ जाएगा p की पावर 4। इस प्रकार से हमारे लिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्राप्त हो गया। हम इसका मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम जहां जहां p आया है इस आंसर में f(t) के लाप्लास में या t की पावर 3 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वहां वहां हम p माइनस 2 लगा देंगे। तो इसके स्थान पर हमने क्या किया, p माइनस 2 की घातांक 4 कर दिया। p के स्थान पर हमने लगा दिया p माइनस 2 और 6 ये अंश में आ गए थे और इसकी पावर 4 थी, पावर 4 लगा दी। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। दूसरा फार्मूला जो है, दूसरा कायदा जो है वो आपको हम अगली बार बताएंगे।
आज प्रश्न पूरा हो जाता है। ये विधि सरल विधि है, आप इसी से प्रश्न को करने का अभ्यास कीजिए। आज हम अपनी याद को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार कोई नया प्रश्न बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।